हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर वन, हाल ही में किस राज्य की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त नीला सत्यनारायण का निधन हुआ? देखो, नीला सत्यनारायण ये महाराष्ट्र की पहली महिला राज्य चुनाव आयुक्त थी। ये 1972 बैच की IAS अधिकारी थी और इनका जन्म 5 फरवरी 1948 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में 16 जुलाई 2020 को COVID-19 के कारण। ये एक ऑथर और एक सिविल सर्वेंट थी। तो ये थी महाराष्ट्र की, तो इसका ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व सर्प दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व सर्प दिवस आपका 16 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व सर्प दिवस एक अपॉर्चुनिटी है टू सेलिब्रेट स्नेक्स एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट देयर कंजर्वेशन। सांपों के संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 16 जुलाई को हर साल विश्व सर्प दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कौन मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की मानद उपाधि पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो सबसे कम उम्र के ये व्यक्ति बने हैं मार्कस रैशफोर्ड। तो बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? देखो, सूरीनाम के राष्ट्रपति और भारतीय मूल के ये चुने गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोषी। यदि सूरीनाम की बात करें तो सूरीनाम ये आपका साउथ अमेरिका कंटिनेंट में पड़ता है, फ्रेंच गुयाना के पास में। यदि इसकी बात करें, इसकी कैपिटल है पेराम्बिबो, प्रेसिडेंट है चान संतोखी, करेंसी है सूरीनाम डॉलर, पॉपुलेशन 5.76 लाख है 2018 के अनुसार, ऑफिशियल लैंग्वेज इनकी डच है। यदि और बात करें सूरीनाम के बारे में इस क्वेश्चन में, देखो, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोषी को लैटिन अमेरिकी देश सूरीनाम का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। चंद्रिका ने प्रतिद्वंदी दावेदार पूर्व सैन्य तानाशाही डेसी बाउटर्स को हराया है। इसके पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स ही वहां के राष्ट्रपति थे। चंद्रिका प्रसाद के लिए काफ़ी अहम घड़ी है, जब उन्हें राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए सूरीनाम की अखंडता पर किसी तरह की दाग नहीं आए और अपने पद की गरिमा को बचाने में सफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना के इलाज हेतु 3 श्रेणी में फीस निर्धारित की है? तो ये की है आपका पंजाब ने। देखो, पंजाब सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज के लिए रेट तय कर दिए हैं। इसके तहत सामान्य स्थिति में बिना वेंटिलेटर के आइसोलेशन वार्ड, ऑक्सीजन, मेडिकल सहायक, एडमिशन फीस मिलाकर 10,000 रुपये तय किए गए हैं। वहीं NABH मान्यता प्राप्त अस्पतालों के लिए 9,000 रुपये हैं। राज्य में पूर्व PGI डायरेक्टर KK तलवार की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने नई फीस निर्धारित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये संन्यास लेने की घोषणा की है माइकल JD कनक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने साल में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाएगी? तो अगले 3.5 साल में ये विद्युत चालित रेल नेटवर्क बनाएगी। अभी कुछ ट्रेन कोयला चालित भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाकफाक ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया? तो ये इस्तीफा सौंपा था ट्यूनीशिया ने। ट्यूनीशिया दक्षिण अफ्रीका का एक देश है, जो अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जो नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है ट्यूनीशिया, और ये इस बाउंडेड है अल्जीरिया, इसके वेस्ट में अल्जीरिया है और ये साउथ वेस्ट में लीबिया है, और इसकी बाउंड्री भूमध्य सागर से लगती है एंड बाई मेडिटेरेनियन सी टू द ईस्ट एंड नॉर्थ में ये मेडिटेरेनियन सी से लगता है ट्यूनीशिया, यहाँ की राजधानी ट्यूनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला है? तो नया व्यापार मार्ग भारत ने भूटान के साथ खोला है। और इसके बारे में देखें तो देखो, भारत और भूटान ने पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच नया व्यापार मार्ग खोल दिया है। जयगांव और पसाखा के बीच यह लिंक इस कोरोना के समय में दोनों देशों के बीच संपर्क की सुविधा प्रदान करेगा। 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से पहले पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया है। पसाखा इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्विपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली को बनाया। ब्रेटली जो ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज रहे हैं, जो 2003 के वर्ल्ड कप में भी खेले थे, ग्लेन मैकग्राथ के साथ बहुत ज़्यादा खेले हैं।
इसके बारे में और एक्सप्लेन देखें तो स्पोर्ट्स अड्डा एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफार्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करता है। वह ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैकग्रैथ के बाद दूसरे ऐसे गेंदबाज बने जिन्होंने टेस्ट और वनडे दोनों संस्करणों में 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं। ब्रेटली ने अपने क्रिकेट कैरियर की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ 1999 में की थी। सो दिस वॉज फॉर द डे। थैंक यू।